हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैरी पेटी एक्ट। मैं हूं दोस्तों और मैं हूं प्रियंका। तो गाइस, आज हम सुनने वाले हैं पवन सिंह जी का नया गाना उगी सूरज दे। तो छठ पूजा जैसा हमें पता है कि दिवाली के बाद होती है और उसमें नया गाना पवन सिंह का आता ही है जैसा आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था। तो हम लोग बिना वेट करे और बताओ, एक बहुत बड़ी बात ट्रेंडिंग चलते हैं भाई। ट्रेंडिंग है भाई गाना पवन सिंह जी गाना यार, वी नो दैट फुल ऑन भक्ति गीत भरा होगा। सो ज्यादा देरी नहीं करते, वीडियो को शेयर करते हैं। अगर आप समय पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बिखेरी हैं नुहो आदित गोसाइया, दुखवा बलैया भरी हैं नुहो। उतारी हैं नुहो आदित गोसाइया, दुखवा बलैया हरी हैं नुहो। आदित गोसाइया, दुखवा बलैया हरी हैं नुहो।
गाना तो लगता है अब हर छठ पूजा के दिन, छठ पूजा के दिन बजेगा। तो ये मतलब उगते सूरज के लिए सूरज देव का इंतजार कर रहे थे, छठ पूजा तो सूरज देव की होती है ना, तो ये जैसे इंतजार कर रहे थे अभी तक आए नहीं है, प्लीज आ जाओ, दुखी हो रहा है मन, मन दुखी हो रहा है, जितना मुझे समझ में आया है। और फिर सूरज देवता के नाम लिए गए थे, आदित्य, गोस्वामी और एक दो और लिए गए थे। तो बढ़िया था गाना, मतलब एकदम भक्ति गीत, भक्ति गीत धार्मिक भक्ति गीत, बढ़िया एकदम। एक्चुअली हम लोगों ने कभी छठ पूजा देखी नहीं है क्योंकि हमारा ऐसा है छठ पूजा के टाइम पे यूपी या बिहार कहीं आना हुआ नहीं है। हाँ, और हमारे सारे दोस्त लोग सब चले जाते थे तो वहाँ पर उस समय वहाँ पर एक तो क्या हमारा दिवाली का टाइम होता था तो ऐसे कहीं जाना होता नहीं था, है ना, और छठ पूजा भी होती है तो उस टाइम पे कुछ जाने का ऐसा कुछ सेंस नहीं मिलता था। पर हाँ, अगर आप में से कोई रहता हो तो प्लीज हमें बुला लेना एक दिन छठ पूजा के, हम लोग देखना चाहते हैं। अब तो षष्ठी के बाद ही आ पाएंगे, अगर अपन छुट्टी निकालनी पड़ेगी फटाफट वहाँ पे जाने के लिए, षष्ठी पे हो जाएगी पूजा और फिर रह जाएगी अपनी छठ पूजा। नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर हम लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से अपन प्लान करके रखेंगे तो जरूर आ पाएंगे। बट हाँ, कि ये गाना बहुत ही ज्यादा धार्मिक था और हर एक 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 अच्छी वाइब्स के साथ में, जैसे पूजा के समय जो एक होता है ना, एक एक, एक भावुक भावुक करने वाला एक गीत है, क्योंकि इनके एक तो पवन सिंह ने गाया, दूसरा खुशी खुशी करके थे सिंगर, उनके जो दूसरे सिंगर थे खुशबू जैन। अच्छा, खुशबू जैन, उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी। ये जो फीमेल आर्टिस्ट है इसको हमने काफी वीडियोस में देखा भी है पवन सिंह के साथ, खुशबू सिंह के साथ, खुशबू सिंह का। तो मुझे वही है, क्या वही है ना आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट और सिंगर दोनों सेम है क्या ये? नहीं, फीचरिंग पूजा बनर्जी है। अच्छा, सिंगर कोई और सिंगर भी खुशबू जैन है, गाना बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, बहुत मीठी आवाज थी, तो वो मतलब एकदम ऐसे क्या क्या कानों में घुलने वाली आवाज होती है ना, उस टाइप से। तो बढ़िया गीत है यार, मस्त। ऐसे ही आपके दिन त्योहार खुशमय होते रहे, हमारी भी यही दुआ है, और सब ऐसे ही गाने सुनते रहे रहे, बहुत सही। अगर आप उस तरह हमारा रिएक्शन, प्लीज डू कमेंट, और नेक्स्ट सॉन्ग आप कौन सा सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना हमारे साथ देखना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, कैरी पे रिएक्ट, बाय बाय।